फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। मैं अभी अपने यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। मैं अभी कल ही आया था यहाँ पे और मुझे आज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कराना था, क्योंकि बिना आप जैसे आने के बाद में आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी को देना होता है, वो ज़रूरी है, वरना आपको फिर से वापस इंडिया भेज दिया जाता है। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन करा रहा था तो एक बच्चे का कॉल आया मेरे, वो यूट्यूब के थ्रू ही उन्होंने नंबर लिया और कॉल किया और पूछा कि भैया मैंने एडमिशन ली है और मैं वहाँ आने वाला हूँ, तो थोड़ा आप हॉस्टल की वीडियो बना सकते हो तो बना दो। तो मैं सोचा कि अभी क्लास तो चल नहीं रही है, अभी फ्री हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ पूरा हर चीज़ तो बता नहीं पाऊँगा, हर पॉइंट कवर तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो जो फैसिलिटीज़ का उसका ओवरव्यू पूरा बताऊँगा आपको कि कैसा है, कैसा दिखता है, क्या चीज़ है, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा उसमें। उसके बाद में उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं या मेरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हर चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा, और मेरे पास टाइम भी है क्योंकि अभी क्लासेस नहीं चल रही, तो मैं हर चीज़ बताऊँगा। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हमारी वीडियोस तो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, यार मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और रिस्पॉन्स नहीं देते। यूँ तो थोड़े बहुत आ रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव है हमारा अच्छा है, प्रोग्रेस है। तो उसके लिए चलिए मैं आपको अभी अपना हॉस्टल दिखाऊँगा, जितने भी हॉस्टल है उस इस वीडियो में कवर करूँगा कि कौन कैसा है। लगभग ऑलमोस्ट सारे अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल है, जैसे मैं यहाँ आया था तो एक हॉस्टल रिनोवेटेड था, अभी धीरे धीरे सबको रिनोवेशन में डाल दिया है। तो किसकी किस तरह की रिनोवेशन है मैं सारी चीज़ दिखाऊँगा। मैं अभी फिर से पुराना हॉस्टल भी दिखाऊँगा, सारा हॉस्टल दिखाऊँगा, लेकिन ये पूरी मतलब डीप में नहीं दिखा सकता, ब्रीफली रहेगा, ये छोटा छोटा रहेगा। चलो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। ये मौसम महीना जुलाई का है, तो इसमें पूरा सभी जगह हरा भरा मिलता है, क्योंकि ये दो महीना ही होता है जो यहाँ की सिटीज़ की खूबसूरती पीक पे होती है। बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कितनी हरियाली है यार। अभी जैसा कि मैं फिफ्थ और फोर्थ के बीच में पहुंच चुका हूं, ये फिफ्थ और फोर्थ का बात ऐसा है कि जैसे फिफ्थ है अभी नया नया बना है, तो जैसे कोई गाड़ी नया रहता है, नया खरीदते हैं तो नया जैसे ही होता है, और फोर्थ है वो यूज्ड कार है, तो कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, वो आप देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आपको अभी पहला फिफ्थ दिखाता हूँ। मैं अभी फिफ्थ के पास खड़ा हूँ और सामने फोर्थ है, उसके जस्ट बगल में ही फर्स्ट है, तो तीनों आसपास हैं। तो ये फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ का सीन ऐसा है कि ये अभी नया नया बना है, तो नई चीज़ हमेशा मतलब अच्छी दिखती है, ऐसा नहीं है कि उसमें कम फैसिलिटी है, थोड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं, थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप नई गाड़ी लेते हैं तो हमेशा चमचमाती रहती है और पुराने में तो यूज रहता है, तो थोड़ा वहीं से इशू है। मैं दिखा नहीं पाया सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि मेरा प्रपोज का देना पड़ा, मतलब आईडी कार्ड, हॉस्टल आईडी कार्ड, तो मैं उसमें वीडियो नहीं बनाता। चलो यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा है, लिफ्ट तो घर में है लेकिन ये नया है, देखो आओ। ये रहा छोटा सा लिफ्ट। मैं अभी फिफ्थ हॉस्टल के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं आपको पहले रूम दिखाऊंगा। रूम का ये यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है, तो भी बताऊँगा ब्लॉक वाइज, तो फिर चलते हैं, एंटर करते हैं, फिर बताऊँगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में ये इधर आपको थ्री सीटर मिलेगा, ये हालांकि मैं अभी अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दोस्त का नहीं है। मैं अभी डबल सीटर दिखा सकता हूँ, तो डबल सीटर का एक सेपरेट ब्लॉक है जिसमें दो कमरे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा,
इसके लिए एक पर्सनल बाथरूम और वॉशरूम इधर है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सर्दियों बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि बाहर कितना ठंड है, ये रहा। और आपको सेपरेट सेपरेट स्टडी टेबल मिलता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ बेड है, इसे बंकर बेड बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है, स्पेस भी बच जाता है, दो लोग रह भी लेते हैं। तो और जस्ट बेड के बगल में आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी चार्जिंग करने के लिए उठ के इधर उधर जाना पड़े। आप साथ में बेड पे बैठ के आप लैपटॉप कैरी करके चला वाला सकते हैं, जो भी इजी एक्सेसिबल डिवाइस है चार्ज कर सकते हैं वहां पे आप। और यहाँ पर राउटर वाउटर लगता है, यहाँ पे वाईफाई सुविधा है, कमरे में वाईफाई रहती है, तो इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं होती। स्पीड बहुत अच्छा रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ राउटर लगा हुआ है। ये आप कुछ भी सामान जैसे कुछ खाने पीने का रख लूंगा, और एक ये अलमीरा है, इसमें कपड़ा उपड़ा है, तो मैं इसे क्या ही दिखाऊं। देख रहे हैं एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट के लिए काफी इनफ है ये स्पेस रहने के लिए। तो ये इसका ओवरव्यू रहा जो अभी नया बना है। तो मैं आपको ये जो ऐसा है कि ये नया बना है तो नया ही रहेगा सब चीज, ये फर्स्ट वाला है, बाकी ऐसा ही है, इस सारे में इतने ही फीचर्स हैं, लेकिन वो थोड़ा पुराना है। जैसे सेकंड हैंड गाड़ी वाला मैंने बात करी ना, वो वैसे ही सीन है कि वो थोड़ा पुराना है, तो थोड़ा ओल्ड स्टाइल का, वो हर चीज ऐसा आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुविधाएं सब चीज मिलेगी आपको, बेड भी ऐसा ही मिलेगा। तो ये शायद ये आयरन का है, वो उड़ गया हो, ये हो सकता है, लेकिन सारी चीजें मिलेंगी आपको उसमें। चलो फिर मैं दूसरा वाला हॉस्टल को दिखाता हूँ, उसके बाद में अभी आप उससे पहले मैं यहाँ आपको किचन दिखाता हूँ, किचन और वॉशरूम। ये देखो किचन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे फ्रिज है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। देखो बच्चों ने यहाँ रख रखा है आलू, किसने फ्रिज में रख रखा है आलू, वैसे कोल्ड स्टोर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। यहाँ एक और जैसे इतने फ्लैट के लिए तीन फ्रिज है, एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे आप सब्जियां चॉप कर सकते हैं, यहाँ अपनी स्पाइस सब चीज रख सकते हैं। यहाँ चार प्लेट का है, इस पे चारों चलते हैं एक साथ, आप खाना बना सकते हो इजीली फास्ट वे में। इसे देख सकते हैं बच्चों ने रखा है यहाँ में, यहाँ पे सेफ्टी का पूरा देखो, यहाँ मैंने बोला था ना स्पीकर अनाउंसमेंट के लिए, यहाँ भी कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटी होता है तो यहाँ रखा जाता है। चलो मैं यहाँ से आपको व्यू भी दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू आता है उस कमरे से भी। ये पार्क है, देखो कितना अच्छा व्यू आता है। वॉशरूम ये बाथरूम नहाने वाने का है, जैसे देख सकते हो एक आदमी के लिए इजीली बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है बुरा, यहाँ नहा सकते हो। चलो फिर बाकी के हॉस्टल में दिखाता हूँ। जैसे मैंने आते टाइम आपको कुछ चीजें नहीं दिखाया था, मैं अभी ज्यादा टाइम कवर अप कर रहा हूँ।
से यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप के लिए मामा बैठी है। आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं वीडियो एंट्री के टाइम में प्रॉपर यहाँ सिक्योरिटी है। मैं चलते चलते मैं आपको अभी क्वेश्चन बता दूंगा कौन कहाँ है और वीडियो बनाऊंगा कैसा है। ये पुराना वाला है उसकी भी वीडियो मैं प्रॉपर भी बनाऊंगा दिन तक शुरू शुरू में आके खाना बनाना नहीं चाहते तो हम इस बंद कर सकते। और ये पौधों के पीछे जो बड़ा सा हॉस्टल दिख रहा है ये फर्स्ट हॉस्टल है हमारा। ये खूबसूरत पार्क देख रहे हो आप, इसकी भी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। आप कहोगे तो पार्क की प्रॉपर वीडियो बना देंगे। ये बहुत ही ये मौसम ऐसा है ना कि इस टाइम ये शहर बहुत खूबसूरत रहता है क्योंकि इसके बाद में ये पतझड़ का मौसम आ जाएगा, आ जाएगी, बर्फ गिरने लगेगा तो कुछ यहाँ पे हरियाली फिर दिखेगी नहीं। जैसे वहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर बैठने का, चलो मैं आपको बैठने का व्यू दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। फर्स्ट हॉस्टल इसमें भी सारी फैसिलिटीज हैं वो वाली, लेकिन ये पुराना है तो थोड़ा चीज़ें थोड़ी ओल्डिश टाइप की मिलेगी। हर चीज़ मैंने जैसे बताया था ये सारी नई चीज़ें हैं, इसमें वो पुराने रहेंगे चीज़ें सारी रहेंगी। मैक्सिमम समय मिनिमम 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी से। जैसे मैं अभी अब इंटर कर चुका हूँ अपने कैंपस में तो देख ही रहे हो कितना ग्रीन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे पास में चलो मैं दिखाता हूँ, सेकंड और थर्ड पास में ही जस्ट ये रहा और उससे जस्ट जो मेन बिल्डिंग के जस्ट बगल में 6th है तो उस तरफ है। तो मैं उस तरफ जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो करके फिर उसके बाद में 6th का भी आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगा, कवर अप हो जाएगा। देख रहे हो कितनी अच्छी सीन है, देखो सामने कितना नज़ारा दिख रहा। ये हमारी यूनिवर्सिटी है भाई, ये पार्क वार्क नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी है। पार्क तो सोचो यूनिवर्सिटी इतनी खूबसूरत है, जस्ट बगल में ही पार्क है तो कितनी खूबसूरत होगी, इससे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये देख ही रहे हो कितना जबरदस्त है, चारों तरफ हरे भरे हैं। यहाँ फल भी आपको लगे मिलेंगे, आप तोड़ के खा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें।
ये अभी मैं अपने हॉस्टल सेकंड हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ। इसके अपने फायदे हैं, मैं बाद में बताऊंगा उसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको थर्ड हॉस्टल दिखा दूँ। ये पेड़ किसी पेड़ से दिख नहीं रहा होगा, वो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, वो थर्ड हॉस्टल है। उसके जस्ट बगल में डीन ऑफिस है, उसके बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैंने मेल बिल्डिंग को दिखाई दिया है आपको, और इसके बाद में यहाँ लेक्चर हॉल है। लेक्चर हॉल के जस्ट उस तरफ आपको सिक्स्थ हॉस्टल मिलेगा। तो मैं उधर अगर जाऊँगा तो अभी सभी जगह तो घूम नहीं सकता, नहीं तो दिखाता, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अभी फिर से मुझे डीन ऑफिस जाना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने नॉन रिनोवेटेड सेकंड हॉस्टल में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो नॉन रिनोवेटेड, क्योंकि वो पुराना बना है, बस इतना ही अंतर है, वो नया बना है, बस इतना ही अंतर है, ये जरूर नोट करें आप। तो इसमें कोई, और इस हॉस्टल के कुछ अलग ही फायदे हैं, और वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पास में ही उधर शॉप है, तो पास पड़ता है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, ये भी ज़्यादा फायदा होता है। और सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मैं पर्सनली मेरे लिए बहुत बेस्ट है, तो मैं यही रहता हूँ। जिनको वहाँ रहना हो, एकदम नया चाहिए उन्हें हर चीज़, कि नहीं मैं जाऊँगा फर्स्ट हैंड यूज, मेरा रूम भी मैं ही पहला बार यूज़ करूँ, तो वो जाए फिफ्थ में, मैं उन्हें फिफ्थ रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे आपको हर हॉस्टल में, अगर आप जिस हॉस्टल के नहीं हो, तो अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप देना पड़ता है, जैसे प्रोपुश का या मतलब यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाना पड़ता है, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। जैसे अभी मैं जाऊँगा, मैं अपने हॉस्टल में पूछूंगा तो भी यहाँ पे है चेकअप। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, चलो मैं डायरेक्ट अपना कमरा नहीं दिखा पाऊँ, सीढ़ियाँ कह देगा, सीढ़ी अब देख लीजिए ही करोगे। वैसे ही जैसे उसमें मैंने बोला था, वो आयरन लोहा का है, आयरन का है, ये ओपन है, बंकर बेड इसमें भी, ये ट्रिपल सीटर है, एक यहाँ बेड दिख रहा है आपको, और बेसिक ये फैन हमने खुद से खरीदा है, ये नहीं मिलता, और ये कॉटन वॉटन भी, ये कॉटन मिलेगा आपको। और इसकी फैसिलिटीज मैं बता दूँ आपको, तो फैसिलिटीज में आप रोज बेड शीट, पिलो कवर, ये जब भी जाओगे आप चेंज करा सकते हो, या गर्म पानी ठंडा पानी दोनों में अवेलेबल है, मतलब वॉशरूम में भी और किचन में भी। जो यहाँ बेसिक वहीं के गर्म पानी रहना ही चाहिए, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है, तो उसकी कोई इशू नहीं आएगी, नहाने वहाने का भी नहीं, हमेशा गर्म पानी अवेलेबल रहता है, तो आप मिक्स करके भी नहा सकते हैं। जिन्हें नॉर्मल होके नहाना हो तो ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स कर लेते हैं, तो नॉर्मल जैसा हो, जैसे गर्म पानी से नहाना हो, मोस्टली बच्चे गर्म पानी प्रेफर करते हैं। तो अब मैं आपको किचन दिखाऊंगा, यहाँ सेपरेट जैसे स्टडी टेबल भी है, देख सकते हैं दो टेबल है यहाँ। तो जो चीज़ें ये हमने, आप जब यहाँ आएंगे तो जो नॉन रिनोवेटेड हॉस्टल है, अगर आप वो तो हॉस्टल अलॉट आपको 6 साल के लिए होता है, अगर चाहे तो चेंज करवा सकते हैं, अगर नहीं कराते हैं तो 6 साल तक आपका ही रहता है ये हॉस्टल। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है उसमें आपको, और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं आपको भी किचन दिखाता हूँ, मैं अपने फ्लोर पे स्टडी रूम दिखा देता हूँ। अगर आपको रूम में पढ़ने का मन नहीं हो, स्टडी रूम में ज्यादा बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो लोग मोटिवेट रहते हैं एक दूसरे को देख के, तो मैं आपको स्टडी रूम दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा है, एक सीनियर भी है, सुपर सीनियर स्टडी रूम, क्योंकि उनको एग्जाम देना है जाने के बाद में। ये कॉमन किचन है, दो किचन एक फ्लोर पे, तो चार एक में चार स्टोव है। उसके अलावा भी इस साइड पॉइंट दिया हुआ है, आप इंडक्शन यहाँ पे खरीद के खुद का सेपरेट रख सकते हैं। ये वैसे काफ़ी अभी बच्चे नहीं है तो थोड़ी साफ सफाई की थोड़ी बहुत इशू, जब बच्चे आएंगे पूरे पूरी तरह साफ रहता है। तो ये रहा, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो काफ़ी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।